ओम गणेशाय नमः। बरीच लोक स्वप्ने पाहतात, पण त्यातील काहीच त्या स्वप्नांना साकारण्यासाठी संघर्ष करीत असतात। प्रत्येक दिवशी धीटपणे मेहनत करून एक एक पाऊल आपल्या स्वप्नांच्या दिशेने टाकत असतात। काही अडथळ्यांना मात देऊन तर काही आपल्या जबाबदाऱ्यांना पूर्ण करून यशाची पायरी चढत असतात। शेड्स ऑफ इनोव्हेशन सादर करीत आहे अशाच प्रेरणादायी कथा BMS प्रेझेंट्स यशोगाथा। संचिता खताल है और मैं ये क्रेंसिया करके स्टार्टअप की फाउंडर हूँ। ये स्टार्टअप हमने 2020 में स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर सेट इन ऑलमोस्ट 15 सिटीज। तो यहाँ पे हम लोग आर्ट्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप करते हैं, जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के वर्कशॉप्स, पेंटिंग के वर्कशॉप्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके 2 आवर्स में कोई ना कोई पेंटिंग रेडी करके लेके जाते हैं। एक्चुअली हमने जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, थर्ड ईयर फाइनल ईयर, वी वर ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज जो भी आ रहे थे। आई हैव डन माई बैचलर्स इन फार्मेसी, तो हम लोग को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। लोशन, क्रीम्स, ये सब हमारे डेली इसमें था, प्रैक्टिकल्स में बनाने के लिए। तो वहाँ से हमने परफ्यूम मेकिंग स्टार्ट कर दिया था, तो वी स्टार्टेड मेकिंग परफ्यूम्स। तो वो हमारा फर्स्ट स्टार्टअप था, जो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। फॉरेसी नाम के ब्रांड के अंदर वी सेल दिस परफ्यूम्स, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हमने स्टार्ट किया था 2019 के दिसंबर में, फिर मार्च 20 तक हमने सेल की ऑलमोस्ट 300-400 बॉटल्स, और फिर लॉकडाउन आ गया। तो उसके वजह से परफ्यूम कम्प्लीटली शट डाउन हो गया था, क्योंकि फिर लॉकडाउन की वजह से कोई परफ्यूम बाय नहीं कर रहा था। तब फिर हम जाके इस आइडिया पे आ गए कि अभी घर पे बैठ के करें क्या। तो फिर वी स्टार्टेड दिस थिंग कि चलो लेट्स डाइवर्ट, कुछ न्यू चीज़ करते हैं। तो इसका आइडिया फिर आ गया। सो हम लोग ने ये स्टार्ट 2020 में किया था, जैसे लॉकडाउन वाला टाइम था, तो एवरीवन वाज गेटिंग बोर्ड घर पे, सब लोग घर पे थे, एंड फिर पीपल वर फेसिंग वेरी मेंटल हेल्थ के इश्यूज और ये सब। तो वी थॉट कि चलो कुछ आर्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने मंडाला थेरेपी, आपने सुना रहेगा, जो मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट रहता है, वो स्टार्ट किया। तो उसके हम लोग फ्री सेशंस देते थे पहले। तो हमने ऑनलाइन थ्रू आउट इंडिया हम लोग एड्स रन करके, जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो 2 आवर्स का हम लोग मंडाला का सेशन स्टार्ट करने लगे। फिर हम नए नए आर्टिस्ट से मिले, तो वो लोग हम लोग को बोले कि चलो आई नो दिस काइंड ऑफ आर्ट्स, तो मैं भी सिखा सकता हूँ। तो वी स्टार्टेड मीटिंग अ कम्युनिटी, जहाँ पे आर्टिस्ट आने लग गए और फिर वो दूसरे लोगों को अपना नॉलेज शेयर करने लगे। सो हमने ये वर्कशॉप चालू किया था 2020 में। सो व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन का टाइम, पीपल वर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, सब लोग घर में अटक गए थे, कुछ करने के लिए था नहीं, सब लोग ने वो डालगोना कॉफ़ी ये सब चीज़ करके हो गया था। फिर वी थॉट कि चलो एक मेंटल हेल्थ के लिए हमने मंडाला थेरेपी स्टार्ट किया था। मंडाला एक मेडिटेटिव काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म रहता है, जैसे ये भी है, डॉट मंडाला बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, जब भी आप ऐसे आर्ट फॉर्म्स करते हो तो आपका माइंड काफ़ी काम हो जाता है। तो वी हैड अ फ्रेंड जो जिनको ये आता था, तो वी स्टार्टेड गिविंग फ्री सेशंस मंडाला के। तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड कनेक्टिंग ऑन जूम, फिर सब लोग आके ये सेशंस करना चालू हो गए। तो यहाँ से हम लोग को एक आइडिया आया कि लेट्स नॉट स्प्रेड आर्ट्स, की आर्ट्स हम सिखा सकते हैं। फिर न्यू आर्टिस्ट ज्वाइन होना चालू हो गए, तो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हमने ये प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। अभी वी आर सेट इन ऑलमोस्ट 15 सिटीज़। हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था, फिर दिल्ली हमने किया है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, फिर हमने इंदौर किया, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, ये सब सिटीज़ में अभी हम लोग सेट है। जयपुर भी हमने जून में एक बड़ा आर्ट फेस्ट किया था वहाँ पर। सो जयपुर में हमने आर्ट फेस्ट किया था 11th और 12th जून को। सो 2 डेज का आर्ट फेस्ट रहता है, उसमें कैसे 3-3 सेशंस रहते हैं। लाइक फर्स्ट डे वी हैड अल्कोहल इनका, ये जो है क्लॉक का सेशन है था, ये रेजिन आर्ट का क्लॉक है, इसका सेशन था, और फिर गोल्ड कॉइलिंग आर्ट था, उसका एक सेशन था। एंड सेकेंड डे दूसरे 3 आर्ट फॉर्म्स रहते हैं, जैसे टेक्स्चर आर्ट है, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्ट फेस्ट थे हमारे वहाँ पे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो सिटी के जो बेस्ट आर्टिस्ट है उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। तो वो आर्टिस्ट आते हैं और वो लोग वहाँ पे सेशंस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे साइड से है। इसमें हाँ, सो वी हैव अ टीम ऑफ मेंबर्स। हमारे टीम में जो लोग हैं वो एमए किया है उन्होंने आर्ट्स में,
तो वैसे काइंड ऑफ लोग हैं, थोड़े लोग ऐसे हैं जो बाहर से आर्ट्स पढ़ के आए हैं फॉरेन सिटीज से, तो वहाँ के जो ट्रेंड्स रहते हैं जैसे वहाँ पे ये पेंटिंग्स और ये सब काफ़ी सेल होता है, टेक्सचर आर्ट्स और ये सब का, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, तो जो आर्टिस्ट जिस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट रहता है वो यहाँ पे आके वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्रोशे और वुलन आपने देखा रहेगा, स्वेटर्स और ये सब रहते हैं, वो आर्टिस्ट हमारे पास उनको 40-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो फील्ड में, तो वो ये आर्ट के क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जब ये वर्कशॉप्स में आते हैं सो दे लर्न दिस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर अपार्ट फ्रॉम दिस। वी हैव अ स्टूडेंट जो यहाँ कांदिवली में ही रहते हैं, उनका नाम शिवा है, उन्होंने ये कॉन्क्रीट आर्ट के प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे सीमेंट आर्ट के, तो उन्होंने इसमें अपना वेंचर स्टार्ट किया जिस पर वो टी लाइट होल्डर्स, प्लांटर्स, ट्रेस ये सब बना के सेल करते हैं। तो अभी उनको IIT कानपुर से इन्विटेशन आया था जहाँ पे जाके उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था और वहाँ पे शी सोल्ड अराउंड 20,000 के प्रोडक्ट्स इन वन डे, सो दैट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हर। सो हमारा अभी आगे विजन ये है कि पीपल हु आर कमिंग टू आर प्लेटफॉर्म हु आर लर्निंग डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स, सो वी वॉन्ट टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो ये आर्ट्स बना के सेल कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज इंडिया में देर आर मेनी आर्टिस्ट हु हैव गॉट टैलेंट, हु हैव गॉट राइट स्किल्स ऑल्सो, बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो ये आर्टवर्क सेल कर सकते हैं या दे डोंट नो हाउ टू मोनिटाइज। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सब आर्टिस्ट आके अपने आर्टवर्क सेल कर सकते हैं एंड दे कैन इवन अर्न अ गुड अमाउंट फ्रॉम दैट। So to join our workshops, you can log on to www.crencia.co or you can message us on Instagram also. We are available there. You can get a list of all the workshops which are available. We have these workshops happening in Bandra, Borivali, Thane, Vashi, these areas in Mumbai and more 15 cities. So you all can visit the website.